Hi everyone. Today I shall discuss complete solutions of linear programming problem LPP GATE 2016. Okay, from LPP in 2016 GATE 2016 from LPP there are only two questions. Okay, and both are NAT types. Okay, 2 marks only. Okay. टू क्वेश्चन पूछा गया था, बोथ आर 2 मार्क्स वाले, टोटल 4 मार्क्स. ओके, सो चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, मिनिमाइज w इक्वल टू एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू 2x प्लस y ग्रेटर देन y इक्वल टू 3 x एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन y इक्वल टू 2 इज द सेकेंड कॉन्स्टेंट एंड x एंड y बोथ आर greater than or equal to 0. Okay, then puch raha hai ki the minimum value of w is equal to what, kya hoga. Theek hai, so iske liye mujhe kya karna padega, iske liye kya karna hoga aapko, dekhiye. इसको तो आप नॉर्मली जैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कीजिए. ओके, जस्ट पूछा है मिनिमम वैल्यू, दैट मीन्स आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है. ठीक है, सो चलिए पॉइंट निकालिए इसका, क्या होगा फर्स्ट वाले का पॉइंट्स क्या हो जाएगा, फाइन एक्स इक्वल टू 0. फर्स्ट वाले का पॉइंट निकालिए, फाइन एक्स इक्वल टू 0, y इक्वल टू वॉट 3, एंड वैन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3/2, 3/2 कोमा 0. ओके, एंड व्हाट इज द पॉइंट्स ऑफ सेकेंड लाइन. ये तो हो गया फर्स्ट वाले का, और सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, वैन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2, एंड वैन y इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 2. ओके, ये हो गया आपका इक्वेशन 2 का पॉइंट्स. पहले इसको पुट कीजिए, इक्वेशन 1 का पॉइंट्स जो है 0,3. मैंने यहाँ पे पहले से एक ग्राफ ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है, ताकि टाइम बचे और आपको अच्छे से समझ में आए. ठीक है, तो 0,3 कहाँ पे होगा, ये देखिए, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रहा है, दिस वन इज 0,3. ओके, एंड दिस पॉइंट इज 3/2. ओके, दैट मीन्स 1.5. ओके, 3/2,0. दिस पॉइंट इज 3/2,0. ओके, और तो इसका रीजन किस तरफ होगा, देखिए इनइक्वालिटी क्या है फर्स्ट वाले का, 2x प्लस y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. दैट मीन्स अगर आप 0,0 पुट करेंगे, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. ओके, तो ए दिस इज नॉट पॉसिबल, सो और सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं ना इक्वेशन को. सो इसका रीजन किस तरफ होगा, आउटर ऑफ ओरिजिन, मतलब इस तरफ हो जाएगा इसका रीजन. तो ब्लू वाले का रीजन किस तरफ हो गया, ओरिजिन के तरफ तो नहीं हुआ. ओके, आउटर ऑफ ओरिजिन हो गया. अब चलिए सेकेंड लाइन जो है उसका पॉइंट्स क्या है, 0,2 and 2,0. ओके, सो 0,2 इज दिस वन इज 0,2, एंड दिस पॉइंट इज 2,0. ओके,
और ये भी देखिए आप, जो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, दैट मीन्स 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, दैट मीन्स इसका रीजन भी आपको ओरिजिन की तरफ नहीं मिलेगा, इसका रीजन भी आपको इस तरफ मिलेगा, ठीक है। इसका रीजन इस तरफ मिलेगा, मतलब कॉमन रीजन क्या आ रहा है आपका, कॉमन ये आ रहा है ना पूरा, क्योंकि सो आपका रीजन कॉमन जो आ रहा है ये आ रहा है पूरा कॉमन, और ए वाला जो है ये हो गया आपका पी पॉइंट, आप इसको पी पॉइंट से डिनोट कीजिए, और इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। ओके, तो रीजन तो आपका अनबाउंडेड हो रहा है, बट कौन सी मिनिमम पूछा गया है, ए पी एंड बी इनमें से कौन सी पॉइंट में आपका मिनिमम वैल्यू देगा, ओके ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो पी इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन, सो पी आपको निकालना पड़ेगा, दोनों जो लाइन गिवन है, ओके उन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके एक्स ऑन एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालिए। ओके, तो आपका फिजिबल रीजन क्या आ गया, फिजिबल रीजन ए पी एंड बी। ओके, सो ए इज दिस, ये आपका आ गया 0.3, ओके बी आपका आ गया 2.0, दिस वन इज बी, एंड पी आपका क्या आएगा, आप इक्वेशन वन एंड टू को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके वैल्यू निकालिए क्या होगा। देखिए इक्वेशन वन टू अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 3 माइनस 2 1, एंड व्हेन यू पुट दिस वैल्यू इन टू देन वाई इक्वल टू 1, दैट मीन्स क्या हो गया पी का वैल्यू क्या हो गया आपका 1.1। अब आप जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है डब्ल्यू मिनिमाइज डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू दिस, ये जो इसमें आप पुट कर दीजिए डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई, तो देखिए इसमें क्या देगा डब्ल्यू इक्वल टू पहला वाला तो 0 है और 2y दैट मीन्स 6 देगा, इसमें क्या देगा x प्लस टू वाई दैट मीन्स 2 डब्ल्यू इक्वल टू 2, और इसमें क्या देगा 1 प्लस 2 डब्ल्यू इक्वल टू 3 देगा। तो मिनिमम कौन सी पॉइंट में आ रहा है, ए वाला जो है इसमें मिनिमम आ रहा है बी पॉइंट्स में 2.0, सो आपका मिनिमम जो वैल्यू निकल गया वो होगा डब्ल्यू इक्वल टू 2। ओके, आप अगर इसका आंसर की भी देखिएगा तो 1.9 से इसका रेंज स्टार्ट हो रहा है, 1.9 से 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब आपका डब्ल्यू इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब सही है। ओके, सो बी 2.0 ये हो गया आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड व्हाट इज़ द ऑप्टिमल वैल्यू, ऑप्टिमल वैल्यू इज डब्ल्यू इक्वल टू 2, एंड दिस वन इज मिनिमम, और क्वेश्चन में मिनिमम ही पूछा गया है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। ओके, सो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2। ओके, सो चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन इज सेकंड क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, मैक्सिमाइज डब्ल्यू इक्वल टू 11x माइनस जेड सब्जेक्ट टू 10x प्लस वाई माइनस जेड इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड 2x माइनस टू वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 2,
and x, y, z is greater than or equal to 0. Then maximum value of w is equal to क्या होगा. सो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है. पहला तो हो गया कि आप सबसे ईजीएस्ट जो तरीका मुझे लगता है कि आप इसका डुअल निकालिए, ठीक है. डुअल निकाल के एज बायोग्राफिकल मेथड इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है. क्योंकि ग्राफिकल मेथड में डुअल निकलने के बाद जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको निकलेगा, ठीक है, ऑप्टिमल वैल्यू जो देगा डुअल का, वही आपका प्राइमल में भी देगा, ठीक है. सो एक तरीका हो गया. और एक रहेगा कि आप बाय सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कीजिए, ठीक है. इन दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. मैं दोनों, मतलब सिंपलेक्स एंड डुअल, वो मेथड मैं दोनों मेथड में से सॉल्व करूँगा इसको, ओके. सो पहले चलिए मैं डुअल से सॉल्व करते हैं पहले, ओके. सो व्हाट इज़ द डुअल ऑफ दिस एलपीपी प्राइमल प्रॉब्लम. डुअल क्या होगा आपका. डुअल देखिए, इसका डुअल बन जाएगा, आप डुअल वेरिएबल मान लीजिए W1, कोई भी मान सकते हैं W1, W2. पहला वाला को आप W1 मान लीजिए और सेकंड को आप W2 मान लीजिए. तो अगर आप इसके साथ पहले फर्स्ट कांस्टेंट के साथ W1 मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 W1 प्लस W1 माइनस W1 लेस देन इक्वल टू 1 है. पूरा मतलब लेस देन इक्वल टू W1, ओके. और डुअल में क्या होता है, आई होप आप जानते हो, फिर भी मैं बोल देता हूँ. ये जो कांस्टेंट का मतलब बी जे है, बी वन एंड टू, ये हो जाता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन में बैठ जाता है, ठीक है. मतलब जो डुअल वेरिएबल आपने लिया है W1 एंड W2, ये क्या हो जाएगा, मैक्स, ये मैक्स है सो ये मिनिमाइज बन जाएगा. पहले हो जाएगा क्या, मैक्सिमम है सो ये मिनिमम बन जाएगा. मिनिमाइज W इक्वल टू, ये जो फर्स्ट कांस्टेंट का बी है, बी क्या है, वन. सो वन इंटू डब्लू वन, ओके. और फिर सेकंड कांस्टेंट का क्या है, टू है, ठीक है. तो प्लस टू डब्लू टू, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ डुअल ऑफ दिस प्रॉब्लम, ओके. एंड नाउ व्हाट इज द सब्जेक्टिव subject to the constant of this problem dual, okay. So चलिए अब subject to the constant क्या होगा वो निकलते हैं. Yes, subject to the constant आपका बन जाएगा, इसको आप तो W1 से multiple किए पूरा और इसको W2 से. So आप 10W1 आपको कॉलम वाइज करना होगा, ठीक है. एंड रो वाइज आपको लिखना होगा बाय एज ट्रांसपोज, ओके. सो 10W1 प्लस 2W2 और मिनिमाइज में ग्रेटर देन होता है, ठीक है. ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, बी. बी बन जाएगा आपका जो प्राइमल में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें देखिए एक्स का कोफिशियंट क्या है. एक्स को ही, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स पहले तो आप एक्स को ले रहे हैं, सो एक्स का कोफिशियंट देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में. ऑब्जेक्टिव फंक्शन के एक्स का कोफिशियंट क्या है, 11, ओके. अब चलिए सेकेंड कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड कॉन्स्टेंट वाई बन जाएगा, ओके. वाई, सो वाई क्या है आपका, W1 माइनस 2W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए Y का कोई Y है ही नहीं, मतलब ये जीरो हो जाएगा. और फिर Z देखिए, Z का क्या है यहाँ पर, माइनस वन माइनस जेड माइनस जेड, दैट मीन्स माइनस जेड है, एक मिनट. यस देखिए
minus W1 plus W2 is greater than or equal to Z का कोफिशियंट क्या है -1, ये हो जाएगा ठीक है। एंड W1, W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तीन कांस्टेंट बन गया आपका ठीक है, तीन कांस्टेंट बन गया। ये हो गया पहला वाला ये हो गया, सेकेंड वन दिस एंड थर्ड वन दिस। ओके अब ये जो आप डुअल निकाले इसका आप पॉइंट निकालिए पहला वाला का, इसका पॉइंट्स क्या हो जाएगा, ये जो फर्स्ट लाइन है 10W1 प्लस 2W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, इसका पॉइंट्स क्या हो जाएगा, व्हेन W1 इक्वल टू 0 W2 क्या बन जाएगा 11/2। ओके एंड व्हेन W2 इक्वल टू 0 W1 क्या हो जाएगा 11/10। ओके अब 11/2 एंड 11/10 ये x का हो जाएगा, व्हेन W2 0 W1 इक्वल टू 11/10। ओके 11/10, 0। अब आप पहले ये जो देखिए इसमें इस पॉइंट को ग्राफ में पुट कीजिए, मैंने पहले से अच्छे से ग्राफ को ड्रॉ करके रखे हैं अलग अलग इंक देके ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ओके सो चलिए 0, 11/2 दैट मीन्स 5.5। ओके 11/2 दैट मीन्स 5.5 ना, 5.5 ए हो जाएगा आपका ठीक, ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका 0, इसको आप ए मान लीजिए 0, 11/2। ओके एंड 11/10 दैट मीन्स 1.1। सो दिस पॉइंट, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है ना, दिस पॉइंट इज बी मान लीजिए इसको 11/10, 0। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए तो आपको ये जो पहला वाला दिख रहा है ग्रीन लाइन, ये बन जाएगा लाइन फर्स्ट वाले इक्वेशन का लाइन बन जाएगा डुअल का। और इसका रीजन किस तरफ होगा, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन है ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू दैट मीन्स अगर आप 0, 0 पुट करेंगे तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ओरिजिन की तरफ इसका रीजन नहीं मिलेगा ठीक है, मतलब इस तरफ इसका रीजन होगा ठीक है। अब देखिए सेकंड लाइन क्या है, देखिए सेकंड लाइन देखिए क्या है, मैं इसको इरेज कर देता है, अच्छा चलिए इंक चेंज कर देते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए ये जो सेकेंड लाइन W1 - 2W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन W1 0 W2 क्या हो जाएगा, W2 भी 0, एंड व्हेन आप W1 को अगर 2 लेंगे W1 को अगर 2 लेंगे तो W2 -2/-2 मेथड मीन्स 1 हो जाएगा 2, 1। सो दिस पॉइंट इज 0, 0। ओके एंड 2 and 1 दिस पॉइंट इज 2, 1। सो ये जो येलो लाइन दिख रहा है आपको ये हो जाएगा आपका सेकंड कांस्टेंट का लाइन। ओके
ये वाला हो जाएगा दूसरा वाला। तो इसका रीजन किस तरफ होगा, इसका रीजन ग्रेटर देन है, मतलब इसका रीजन 0 0 पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप इधर कोई पॉजिटिव साइड में देखिए, अगर आप 1 1 लीजिए बोथ, अगर आप 1 1 लेंगे मतलब इस तरफ आना चाहिए, ओके मतलब 1 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 -2 दैट मीन्स -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, -1 0 से बड़ा नहीं है, ओके दैट मीन्स इसका रीजन आपको इस तरफ मिलेगा, ओके। और अब देखिए थर्ड कॉन्स्टेंट क्या है, थर्ड वाला कॉन्स्टेंट क्या है, इसको इरेज कर देता है। अच्छा देखिए थर्ड कॉन्स्टेंट क्या है मेरा, माइनस W1 प्लस W2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 व्हेन W1 इक्वल टू 0 W2 इक्वल टू -1 व्हेन W2 0 W1 इक्वल टू 1, ओके। अब इसको आप इक्वेशन में पुट कीजिए, ठीक क्या आ रहा है ये देखिए, जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका दिस पॉइंट इज -0, -1, ओके। एंड ये जो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 1, 0, ओके। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, आपको जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये मिल जाएगा, ठीक है। सो इसका रीजन किस तरफ होगा, अगर आप 0 0 पुट करेंगे 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 दैट मीन्स सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, ओके। मतलब इसका रीजन इस तरफ मिलेगा आपको, ओके। तो पहला वाला का देखिए, पहला वाला का रीजन इस तरफ मिल रहा है, इसका रीजन सेकंड वाले का इस तरफ मिल रहा है, और इसका रीजन भी इस तरफ मिल रहा है, ओके। तो मतलब कॉमन रीजन क्या आ रहा है आपका, कॉमन रीजन आ रहा है कॉमन रीजन आपका आ रहा है ये हो गया आपका कॉमन रीजन, ओके। इसको अगर आप ये इंटरसेक्शन हुआ है, येलो एंड ग्रीन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको आप पी मान लीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट ये जो ब्लू एंड ग्रीन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो है, वो आपका क्या है, ब्लू एंड ग्रीन का इंटरसेक्शन पॉइंट उसको वो है एक, और उसको आप मान लीजिए क्यू एंड दिस को मान लीजिए आर। तो आपका जो फिजिबल रीजन है वो क्या है, पी क्यू एंड आर, ओके। सो तो व्हाट इज द फिजिबल रीजन, पी क्यू एंड आर, आर इज दिस 2, 1 एंड पी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन। सो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकालिए सॉल्व करके, ओके। फर्स्ट वन सेकेंड का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पी पॉइंट आपका बन जाएगा, अगर आप इसको और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1, देखिए पी पॉइंट आपका बन जाएगा 1, 1/2, ओके। एंड क्यू क्यू पॉइंट क्या होगा आपका, Q
is the intersection point of blue and green, first and third. तो first and third को solve कीजिए, क्या हो जाएगा? Okay, first and third को solve कीजिए. अगर आप first and third को solve करेंगे, so first and third को solve करके आपको क्या मिलेगा? Q point मिलेगा. तो Q point क्या बन जाएगा आपका? Q point आप सॉल्व करके देखिए, W1 बन जाएगा आपका 13/12 एंड W2 बन जाएगा आपका 1/12. ओके, अब इन तीनों पॉइंट्स में P, R एंड Q, दिस इज़ द फिजिबल रीजन ऑफ फिजिबल पॉइंट्स. ओके, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस. अब देखना पड़ेगा कि इन तीनों पॉइंट्स में कौन सी पॉइंट्स में सबसे डुअल का मिनिमम वैल्यू दे रहा है. ओके, क्योंकि डुअल इज द डुअल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मिनिमम है. तो वो जो तीन पॉइंट्स आप निकाले ना, उन तीनों पॉइंट्स को इसमें पुट कर दीजिए. ओके, तो क्या बन जाएगा? डब्ल्यू वन प्लस टू डब्ल्यू टू. देखिए किस पॉइंट में सबसे मिनिमम वैल्यू दे रहा है. ओके, तो अगर आप आर पुट करेंगे तो डब्ल्यू आर क्या बन जाएगा? डब्ल्यू वन प्लस क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? W1 प्लस टू डब्ल्यू टू. ओके, सो W1 इज टू प्लस टू डब्ल्यू टू, दैट मीन्स टू इक्वल टू फोर हो गया. ओके, अब P पॉइंट्स पुट कीजिए. W P में क्या दे रहा है? वन प्लस W1 प्लस टू डब्ल्यू टू, टू इंटू वन बाई टू, दैट मीन्स वन, ये दे रहा है टू. एंड डब्ल्यू क्यू में क्या दे रहा है? डब्ल्यू क्यू 13/12, थर्टीन बाई ट्वेल्व प्लस टू बाई ट्वेल्व, टू डब्ल्यू टू ना, टू बाई ट्वेल्व, दैट मीन्स वॉट? 15 बाई ट्वेल्व, दैट मीन्स 1.25. ओके, सो सबसे मिनिमम कौन सी पॉइंट में दे रहा है? ये जो क्यू पॉइंट में, इसमें दे रहा है सबसे मिनिमम. दिस इज द ऑप्टिमल वैल्यू. एंड व्हाट इज द, दिट इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, 13/12 क्यू पॉइंट, 13/12 एंड 1/12. एंड व्हाट इज द वैल्यू? 1.25. ओके, सो आप देखिएगा 1.2 से ही शायद आंसर की में स्टार्ट है रेंज. ओके, 1.2 से 2 point something, हाँ 2 point something है शायद. ओके, 1.2 से, हाँ 2 point something शायद है. देखिएगा 1.2 से स्टार्ट हो रहा है इसका रेंज. सो यहाँ पे आंसर देखिए आ गया 1.25. अब आप, यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सॉरी. सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट? सो प्राइमल डुअल का जो मिनिमम निकला वही हो जाएगा आपका प्राइमल का मैक्सिमम. सो ओके, सो 1.25 ना, 1.25 इज द मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा. अब अगर आप इसको
हाँ, बाय सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या होगा, देखिए। सो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो गिवन प्राइमल प्रॉब्लम है इसको आप, क्योंकि ये तो इक्वल नहीं है तो इसको तो आप पहले इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप इक्वल करना पड़ेगा पहले, फ्लैग वेरिएबल लेस देन है, फ्लैग वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या क्या बन जाएगा, देखिए 10 मैं करता हूँ यहाँ पर, मैक्स मैक्सिमम है, मैक्स डब्ल्यू इक्वल टू 11x माइनस जेड, सब्जेक्ट टू क्या बन जाएगा, एरेज क्यों नहीं हो रहा, सिस्टम दिन सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। ये तो जा ही नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं। ओके, तो ए तो सेम रहेगा, डब्ल्यू 11x माइनस जेड और स्लैक वेरिएबल जीरो, स्लैक वेरिएबल को आपको एस वन एंड एस टू स्लैक वेरिएबल अगर आप मान लीजिए तो 11x माइनस जेड प्लस जीरो एस वन प्लस जीरो एस टू, ओके वो सेम रहेगा। मैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट क्या होगा वो लिख दे रहा हूँ, ओके ए हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई माइनस जेड प्लस स्लैक वेरिएबल को मैंने एस वन माना पहला वाला का, इक्वल टू हो जाएगा 1 एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2x माइनस टू वाई प्लस जेड प्लस एस टू, सेकेंड कॉन्स्टेंट को मैंने एस टू माना, सेकेंड का जो स्लैक वेरिएबल होगा उसको मैंने एस टू माना, ठीक है। 2x माइनस टू वाई प्लस जेड प्लस एस टू, एस टू इज इक्वल टू टू, ओके ये हो गया आपका सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट इन दोनों, ओके। अब सिंप्लेक्स टेबल बनाइए, चलिए ओके। सो सिंप्लेक्स टेबल क्या हो जाएगा आपका, पहले सी जे बेसिक वेरिएबल ए है आपका बेसिक वेरिएबल, ओके एंड सी बी एंड एक्स बी ये सब तो आपको पता ही होगा, एक्स वाई जेड एस वन एस टू दिस दीज आर द वेरिएबल्स एंड ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ओके एंड द सी जे इज द कोफिशियंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्स डब्ल्यू इक्वल टू 11x माइनस जेड, 11x x का कोफिशियंट है, सॉरी 11, ओके y का कोफिशियंट 0, z का कोफिशियंट माइनस 1, एस वन एस टू का 0, 0, 0 और बेसिक वेरिएबल आप जो स्लैक वेरिएबल जोड़े हैं एस वन एंड एस टू, एस वन का तो 0 एंड 0 सी बी एंड एक्स बी क्या हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा आपका जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है, ओके सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट का जो वैल्यू है एक्स पी, ये जो यहाँ पे देखिए 1 एंड वन एंड टू ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 1 एंड 2
एंड एक्स हो जाएगा आपका 10 2, वाई हो जाएगा आपका 1 माइनस 2, जेड आपका -1 1, S1 is 1 0, S2 is 0 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में आपको जेड जे माइनस सी जे निकालना पड़ेगा। ओके, जेड जे माइनस सी जे निकालिए। जेड जे माइनस सी जे, और जेड जे कैसे निकलते हैं? जेड जे इक्वल टू सी बी एक्स जे, समेशन ऑफ सी बी एक्स जे। इसके साथ इस सारे के सारे जो है इसका मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए, सो यहाँ पे तो जीरो है, जीरो इज हेयर, सो जीरो इंटू टेन है, सारे सारे जीरो ही होगा, ये भी जीरो होगा, यहाँ पे भी जीरो है। ओके, और फिर इसका जो सम करेंगे तो जीरो का सम तो जीरो ही आएगा, सो ए हो जाएगा। और जे सी जे, सी जे क्या है? 11, सो जेड जे माइनस सी जे, जेड जे जीरो है तो 0 माइनस 11, सो ए -11 हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा -11, एंड हेयर ये तो जीरो ही रहेगा, और यहाँ पे जब माइनस करेंगे जेड जे माइनस सी जेड जे तो जीरो है, 0 माइनस ऑफ -1, दैट मीन्स ए हो जाएगा आपका 1, और यहाँ पे दोनों ही जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मोस्ट नेगेटिव जो है जेड जे माइनस सी जे में, उसको आप इंटर कराइए। मोस्ट नेगेटिव क्या है? -11। इंटर कराने के बाद इस कॉलम में, इस वाले कॉलम में देखिए आप, मिनिमम ऑफ एक्स बी बाई एक्स जे करना है। एक्स बी क्या है आपका? 1, सो 1 बाई 10। ओके, सो ये हो जाएगा 0.1, एंड ये क्या है? 2 बाई 2 1, तो मिनिमम कौन सा? ये वाला मिनिमम। सो इसमें आप पाइवट किस में मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका पाइवट। ओके, 10 हो जाएगा आपका पाइवट, सॉरी पूरा लाइन ही गायब हो गया। सो ए पाइवट जो मिला 10, वो सो एस वन जो बेसिक वेरिएबल है वो एक्स से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो एस विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स हेयर, ब्लैक से ही करते हैं, ये हो जाएगा एक्स, एस टू एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा? एसओ एक्स का सी बी क्या हो जाएगा? 11, और इधर तो जीरो ही रहेगा। और आपको ये जो 10 है ए वाला लाइन में, इसको आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1 रखना है, इसको आइडेंटिटी बनाना है, आइडेंटिटी कॉलम बनाना है। सो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0 करना है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10 से अगर जब डिवाइड कर देंगे पूरा रो को, ये बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा 1 बाई 10, ये बन जाएगा आपका 1 बाई 10, ये हो जाएगा -1 बाई 10, ये बन जाएगा 1 बाई 10, और ये तो 0 ही बनेगा। अब ये जो आपको कॉलम मिला अभी, जो फाइनल अभी जो लास्ट कॉलम मिला, इस कॉलम से यहाँ पे 0 करना है ना, यहाँ पर तो 0 करना है यहाँ पर, तो आप इसके साथ ये जो कॉलम है इसके साथ, ये जो रो है इसके साथ 2 को मल्टीपल कर दीजिए। 2 मल्टीपल करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को। ओके, क्या हो जाएगा देखिए, क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,
यहाँ पर इसके साथ आपको पूरा रो के साथ टू मल्टीपल कर दीजिए, टू मल्टीपल करने के बाद सबट्रैक्ट कर दीजिए दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा और बाकी सब में क्या होगा देखिए, बाकी सब में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/5, 2/10, दैट मीन्स 1/5, तो 2 - 1/5, ओके, ये आपका 9/5 बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 9/5, यहाँ पर बन जाएगा -11/5, यहाँ पर बन जाएगा 6/5, और यहाँ पे हो जाएगा -1/5। मैंने यहाँ पे एक्चुअली करके रख के इसलिए फटक से बिठा दिए, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 होगा, फिर आप जेड जे माइनस सी जे सिमिलर प्रोसेस से निकालिए, जेड जे माइनस सी जे निकालिए, ओके। जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पर जीरो है, मतलब ये पूरा जीरो ही देगा आपको, ठीक है। सो सिर्फ इसको ही सब मतलब मल्टीपल कीजिए, तो 11 - 11 है तो बन जाएगा 0, ठीक। फिर 11/10 - 0, दैट मीन्स ए बन जाएगा आपका 11/10। फिर -11/10 - -1, ठीक है, मतलब ए बन जाएगा आपका -1/10 बन जाएगा। और फिर 11/10 - 0, मतलब ए हो जाएगा आपका 11/10 और बाकी ए हो जाएगा 0। अब मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव आपका ए वाला, तो इसमें आप एंटर कीजिए 1/10 - 1/10, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस है, तो इसको तो कुछ करने नहीं करना होगा, 0 एंड जो माइनस रहेगा उसको नहीं करना पड़ता है, तो यही हो जाएगा आपका पाइवट, ओके। तो आपका पाइवट कौन सा बन गया, ए वाला, ये वाला आपका पाइवट बन गया। सो अब H2 जो है वो जेड से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि जेड में ही आपको पाइवट मिला है, जेड कॉलम में, ठीक है। H2 जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जेड से, यहाँ पे हो जाएगा X, ये हो जाएगा जेड, और ये तो 11 रहेगा, और जेड का क्या है -1 CB, और यहाँ पर आप देखिए इसको आपको 1 बनाना है, 6/5 को 1 बनाना है, तो ये हो जाएगा 1, 5/6 से मल्टीपल कर दीजिए पूरा रो को 5/6 को मल्टीपल करके यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका -11/6, ये तो आपका 0 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3/2, 9/5 × 6, 5/6, 5/5 कट गया, 9/6, दैट मीन्स 3/2, और ये बन जाएगा आपका -1/6, और ये 5/6, ओके। अब क्या करना है, अब इस रो के साथ यहाँ पर जीरो करना है आपको, यहाँ पर जीरो करना है, ओके। तो वहाँ पर जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रो जो आपको यहाँ अभी जो मिला, ये जो इसके साथ आप 1/10 मल्टीपल कर दीजिए, इसके पूरा रो के साथ 1/10 मल्टीपल करने के बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, सॉरी, हाँ यस, हाँ यहाँ पर क्या करना है, इनके साथ न,
इनके साथ इसके साथ 1/10 मल्टीपल करके पूरा दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको ये 0 मिल जाएगा। ठीक, ये आपका -1/12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका 7/25, और यहाँ पर बन जाएगा आपका 1/12, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/12। अब आप ZJ-CJ निकालिए, ZJ-CJ आपको देगा, ये भी देखिए 0 है, इसके साथ इसको अगर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 11-11 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, एंड फिर -11/12 +11/6, ओके, माइनस क्या है, माइनस ऑफ -1, दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका 11/12, ओके, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, अब कीजिएगा ZJ-CJ, ए आएगा 13/12, और ये बन जाएगा आपका 1/12, ओके, 1/12। सो देखिए यहाँ पर ZJ-CJ 3 स्टेप में हुआ है, ZJ-CJ ≥ 0 है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल गया। एक्स इक्वल टू क्या मिला, 7/12, 7/25, जेड इक्वल टू क्या मिला, 3/2, ओके, एक्स इक्वल टू क्या मिला, 7/25, एंड जेड इक्वल टू क्या मिला, 3/2, ओके। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मैक्स डब्ल्यू इक्वल टू 11x -z, इसमें पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 11 × 7/25 - 3/2, सॉल्व कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, सॉल्व करके देखिए आप इसको, ये आपका आई थिंक 1.58 आंसर देगा। ठीक है, ये आप सॉल्व कीजिए, 77 × 2 तो हो जाएगा 77 × 2 -3 × 25 75/50, ये आपको 1.58 देगा। ठीक है, 1.58 मतलब 1.2 से तो बड़ा ही है ना, सो उसी रेंज में आ रहा है, दोनों ही आप कर सकते हैं, दोनों पॉइंट मतलब वैल्यू अगर दोनों ही पुट करेंगे सेम आंसर, मतलब आपको राइट आंसर होगा, तो ऑप्टिमल वैल्यू यही बन जाएगा 1.58। ओके, ये आपका मिल गया आंसर, तो मैक्सिमाइज डब्ल्यू इक्वल टू दिस, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।